हेलो फ्रेंड्स, मेरे किचन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स देखिए, मेरा घी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है और ये घी जो है बिल्कुल शुद्ध घी है और ये गाय का घी है, मतलब जो मैं गाय का दूध यूज करती हूँ डेली, उसी से मैंने इसे बनाया है। तो मैंने इस घी को किस तरह से बनाया है आज की वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं ये छाली है, जो छाली मैं डेली बचता है मेरे किचन में, उसी का ये छाली जो है मैं डेली बेसिस पे जमा करती हूँ। ये 15 से 20 दिन का छाली जो है वो इतना जमा हो जाता है। तो जब भी 15 से 20 दिन होता है मेरे किचन में जो है घी बन जाता है। तो देखिए अभी छाली को मैंने एक बड़े पतीले में डाल दिया है और अभी मैं एक ग्लास लेने ली हूँ, ये बड़ा सा ग्लास, और इसका पेंदा जो चौला वाला पेंदा होता है वो ग्लास है, तो उससे भी कर सकते हैं। और इसी से मैं आज मथने वाली हूँ और इससे मथना बिल्कुल आसान है। देखिए ये स्पेस जो है नीचे एरिया भी ज़्यादा लेता है और मतलब चारों तरफ कवर भी करता है। आप चाहे तो जो जिससे मट्ठा मथाता है उसको भी ले सकते हैं, मथने वाला जो आता है उससे भी मैं कभी कभी मथती हूँ, लेकिन मैं आज ग्लास से मथने वाली हूँ। ये काफ़ी जो है अच्छा लगा इससे और काफ़ी जल्दी जो है इसे मथा भी गया देखिए। और अभी मैं इसको जो है थोड़ा सा पानी डाल दी हूँ और अभी इसको मैं साइड कर देती हूँ। आपको जो है 15 से 20 मिनट तक कंटिन्यू एक डायरेक्शन में मथना है, तभी आपका जो है वो हो मथाएगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, मथने के बाद देखिए मैंने बहुत सारा पानी इसमें डाल दिया है, जिससे क्या हो गया है मक्खन ऊपर तैरने लगा है और जो भी गंदगी रहता है इसका फैट वगैरह वो नीचे जमा हो जाता है। तो इस तरह से पानी डालने के बाद आपको एक बार चला लेना है। और चूंकि अभी देखिए ठंडी का मौसम है तो मक्खन देखिए पिघला पिघला जैसा लग रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको आप चाहे तो इसी तरह इसको निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में डालने वाली हूँ 1-1.5 घंटे के लिए, ताकि ये जो है मक्खन जो है वो सेटल हो जाए, जम जाए, जिससे निकालना फिर आसान हो जाता है। देखिए मैंने इसको फ्रिज में डाल दिया था और ये देखिए फ्रिज में डालने के बाद कैसे ये मक्खन बिल्कुल जम गया है और जो भी गंदगी रहता है, जो भी फैट रहता है वो नीचे पानी में जम जाता है। तो अभी देखिए मक्खन बिल्कुल देखिए सॉलिड हो गया है और उस टाइम पर देखिए पिघला पिघला जैसा लग रहा था। तो आपको जैसी मर्जी वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से निकालना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो अभी देखिए मक्खन सारा जो मैं पानी से भी निकाल रही हूँ, देखिए पूरा सॉलिड हो गया है देखिए। तो इस तरह से एक ही मतलब टुकड़ा हो गया है। तो अभी मैं इसको डायरेक्ट उसी पतीला में निकाल रही हूँ, उसी कढ़ाई में जिसमें मुझे घी बनाना है। तो इस तरह से सारा मक्खन हम निकाल लेंगे और जो बचा हुआ मक्खन है उसको भी देखिए इस तरह से निकाल लेंगे। आप चाहे तो ठंडा पानी डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ठंडा पानी से, अभी ठंडी का मौसम है, ठंडा पानी लेंगे तो आपका हाथ जो है वो जम जाएगा, इसीलिए मैं ये ट्रिक बताई हूँ कि आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अभी देखिए बिल्कुल सॉलिड हो गया, तो थोड़ी देर इसको छोड़ दीजिए, उसके बाद आप इससे घी बना सकते हैं। तो अभी मेरा देखिए मैं इसको गैस पे चढ़ा दी हूँ, इंडक्शन पे चढ़ाई हूँ और इसको इंडक्शन का टेम्परेचर मैं थोड़ा हाई रख रही हूँ अभी, क्योंकि इसको मुझे एक उबाल तक इसको बस देखना है, इसको कंटिन्यू आपको वॉच करते रहना है, देखते रहना, नहीं तो क्या होगा ये ऊपर से बहकर जो है मक्खन जो है पूरा बाहर आ जाता है कभी कभी। तो ऐसा नहीं कि फ्लेम को हाई कर दी और इसको छोड़कर इधर उधर घूमने चले गए तो क्या होगा, ये मतलब निकल कर बाहर आ जाएगा। तो आपको अगर कोई काम है तो आप इसको का फ्लेम लो कर दीजिए और बीच बीच में चलाते रहिए, आपका मक्खन से घी जो है आराम से निकल कर तैयार हो जाएगा। अभी देखिए मैं इसको गैस पर चढ़ाती हूँ और ये बिल्कुल पिघल गया है अभी, और अभी इसका फ्लेम मैं लो कर दूंगी और इसको इसी तरह से धीरे धीरे पकने देना है। अगर आपके पास टाइम है तो आप खड़े होकर भी इसे हाई फ्लेम पे पका सकते हैं। हाई फ्लेम पे क्या हो, जल्दी पक जाता है, लेकिन आपको कंटिन्यू इसको चलाते रहना होगा, नहीं तो नीचे जो है वो बैठ जाएगा और जल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स अभी मतलब लगभग मेरा 3/4 हो गया है जलकर, और इस तरह से देखिए गाढ़ा हो रहा है और धीरे धीरे देखिए कलर बिल्कुल चेंज हो रहा है इसका और घी जो है अपने आप छोड़ रहा है। तो इस तरह से हम लोगों को धीरे धीरे करते रहना है और देखिए मेरा घी जो है लगभग निकलने वाला है और मैं इसको धीमी आंच पे बना रही हूँ और मैं गैस पे बगल में चढ़ा दी हूँ और बगल में जो मेरा बर्तन है तब तक मैंने बर्तन भी अपना धो लिया है। और देखिए कुछ देर बाद जो है देखिए घी अब दिख रहा होगा आपको और घी बिल्कुल निकल कर अब बाहर आ गया है। तो इस तरह से घी मैं अपना किचन में डेली बना लेती हूँ और ये जो घी है वो गाय का घी है, मतलब आपके घर में अगर भैंस का दूध आता है तो भैंस का भी बना सकते हैं। गाय का दूध से थोड़ा कम घी निकलता है, लेकिन भैंस के जो दूध रहता है उससे काफ़ी मात्रा में घी जो है निकल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स मेरा घी जो है अब बिल्कुल निकल गया, क्रिस्टल क्लियर हो गया है। तो आप इस टाइम पर भी इसको छान सकते हैं या फिर जो फैट है उसको थोड़ा
सा और आप जला सकते हैं। मैं थोड़ा सा और जला रही हूँ और देखिए जब जल जाता है तो खुशबू जो है पूरे घर में जो है महकने लगता है घी घी। तो इस तरह से आप समझ जाएंगे कि मेरा घी बनकर तैयार हो गया है। तो अभी मैं गैस को ऑफ करने वाली हूँ और ये अपनी हीट से जो है थोड़ा बहुत जो है पक जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूँगी। तो देखिए अभी मेरा घी बिल्कुल ठंडा हो गया है, और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो फिर ये जम जाएगा, तो फिर से गर्म करना पड़ेगा इसको, क्योंकि अभी ठंडी का मौसम है। तो अभी देखिए फ्रेंड्स मेरा घी बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, और मैं इसको स्टील के डब्बे में रखती हूँ हमेशा, क्योंकि शीशे का डब्बा से मुझे थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि शीशे का डब्बा फिसलने का घी है तो फिसलने का चांस ज़्यादा रहता है और उसे टूटने का चांस भी ज़्यादा होता है। तो मैं स्टील के बर्तन में रखती हूँ, और एक छन्नी लेना है, और मैं एक डब्बू रखती हूँ उससे इसमें जो है कचरा वगैरह कभी जो रहता है थोड़ा बहुत फैट वो इसमें आ जाता है तो छनाकर जो है शुद्ध हो जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने घर पे बिल्कुल आसानी से घी बना सकते हैं और खा सकते हैं, और ये घी जो होता है बिल्कुल 100% प्योर होता है। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आप भी अपने घर पे इस तरह से घी बना सकते हैं, और अगर आपके पास मक्खन जमा नहीं हुआ है रहता है तो आप मार्केट से भी मक्खन लाकर घी को बना सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।